41 साल के रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। अपने करियर के आखिरी मुकाबले में फेडरर को फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक से हार का सामना करना पड़ा। आखिरी मुकाबले में मिली हार के बाद फेडरर की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल ये उनका आखिरी मैच था। ऐसे में जब फेडरर मुकाबले हारे और उन्हें एहसास हो गया कि अब इसके बाद कभी कोर्ट पर नहीं दिखेंगे, तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लंदन में अपने करियर के आखिरी मुकाबले में रॉजर फेडरर का मुकाबला अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के साथ हुआ, जिसमें उन्हें 4-6, 7-6, 11-9 से हार मिली। इसके बाद फेडरर को इमोशनल विदाई मिली, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। फेडरर के इमोशनल होने पर दूसरे दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल भी भावुक नजर आए। रॉजर फेडरर पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर मौजूद रहे। अपने करियर में फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की। इस मामले में टॉप पर राफेल नडाल हैं, जिनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। बड़ी बात यह है कि रॉजर फेडरर पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब उनके अंतिम विदाई मैच के बाद जिस तरीके से वो भावुक हुए, लगातार उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।